आदर आदाब अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करता हूँ और शुरू करता हूँ। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। साहिल जल्दी से अपनी स्पेसशिप निकाल, भूसड़ी के गर्मी खाके आके लोग पागल हो चुके हैं। तो कैसे हैं आप सब लोग? आज फिर हम तुम आ चुके हैं एक नए दौर की काली अंधेरी गुफा में, और इस आक्रमिक काली अंधेरी गुफा का नाम है इंस्टाग्राम, जहाँ हमने एक और मल्टी टैलेंट से भरी कन्या को उठाया है। इस कन्या का मानसिक आचलन सिर्फ और सिर्फ लड़कों की गांड मारना है, मतलब लड़कों से इतनी नफरत की अपने बाप को तक ये मादरचोद के बच्चे ये बोलती है। शाबाश। तो यार अगर गर्मी में सो सो के सो गई है तुम्हारी लाठी तो उठा देंगे डॉक्टर राठी। Okay. आजकल का प्यार यही है जनाब, चले तो चांद तक नहीं तो फ्लैट तक। क्या ख्याल आता है बेटी, घर की बत्ती चली जाने पर बिस्तर में उजाला थोड़ी ना नजर आएगा और हर लड़का फ्लैट मिली जाए इतना हवे में नहीं है। ए, उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे। घर में तो कभी बाहर, पता नहीं हम लड़कियों को कितनों ने नोच खाया है। सिर्फ एक लड़की होने की कीमत ना जाने कितनी बेटियों ने चुकाया है। क्या बोला तूने? तेरे को बताते तेरी माँ। कभी कभी सैड सॉन्ग सुन के ना यार रोना आ जाता है। ये देखो फिर याद आता है किसके लिए रो, सूर्यस मुकेश महेश है? है, बेटी पेशकश तो तेरी बढ़िया थी लेकिन दूसरों का टॉयलेट साफ करने से पहले अपने घर के संडास पे हाथ मारा करो। सुरेश मुकेश महेश की तो माँ कीचूद महेश की फौज पार रखी है, तब भी ज्ञान गंगाधर तिलक चौथ के समंदर और गंदा खरना है। बेटी शीशे के सामने बोले हुए सब वापस उल्टे होके नहीं आते, और मेरी तरह ऐसी गालियां दोगे तो कहाँ से मिलेगी इज्जत, और मैं तो फिर भी लड़का हूँ। अब ये सोच रही होंगी गालियां सिर्फ लड़के क्यों दे, तो बेटी गाली मंदिर में बटने वाला प्रसाद थोड़ी है, जिसे चाहे उसे दे दो, गाली दो पर इज्जत से दो, कि किसी को लगना नहीं चाहिए कि हमने उसे गाली दी है। अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? तुम अपने बाबू के लिए चांद तारे तोड़ोगे और उसके साथ पलंग कोई और तोड़ जाएगा। आए हाय, चेहरे पे खुशी तो चमकते फर जैसे झलक रही है। तुम्हारी बत्ती सी और बत्ती में जी दोनों फटे दूध की तरह है, काबू में नहीं रहती। नहीं कहाँ से रहेगी काबू में, तुम्हें तो दूसरे के पलंगों में मजा आ रहा है या फिर पलंगों से दिक्कत है? टेंशन नहीं लेने का, आप उन्हें ना। जी हेलो, रितेश अग्रवाल जी बोल रहे हैं जी। हेलो, आगे नहीं पीछू जी लगा, पीछू। हाँ जी बोलिए, आप कौन? जी मैं बुल्ला आपका सिक्योरिटी। हाँ बोलिए अंकल। जी मुझे आपसे शिकायत है। अरे भासड़ी क्या बोलता है, ऐसे राय जैसे अपने चूचे मेरे पास रख के गया हो। जी नहीं, हमारा मतलब ये नहीं, आपका वो वाय ओ हमारे बस्ती के ठीक बाहर एक नाले के ऊपर है। तो आपको क्या दिक्कत है? जी हमारी बच्ची वह आने जाने वाले लड़के लड़की से नाखुश है, इसके लिए वह इंस्टाग्राम पे मेरा मतलब मोर्चा भी कर रही है। अबे तो अपने बच्ची को समझा, दूसरे के बाबू सोना में अपना रंडी रोना मत करे, और भोसड़ी के माधवचोद मेरे धंधे में अपने गांड के गोटे मत अड़ा। चल फोन रख। हेलो हेलो, मुझे तो कोई ऐसा चाहिए जो मेरा हाथ पकड़े और कहे सेक्स कर दूंगा, पता भी नहीं चलेगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। जो खाना है खा लो, पैसे मैं दे दूंगा। हाँ जो खाना है खा लो, अभी थोड़ी देर पहले आपके गड्ढों से, मुंह के गड्ढों से अलग ही आम का रस छूट रहा था। आओ मेरे साथ, ये कोमल का बर्थडे केक है, ऐसा केक तुमने जिंदगी में देखा भी नहीं होगा, आज मैं खिलाता हूँ तुझे। ये क्या कर रहे हैं आप सर, मुंह मीठा कर रहा हूँ तेरा। आए इधर, ये दुनिया की सबसे नायाब शराब है, तूने कभी सूंघी भी नहीं होगी, मैं तुझे पिलाता हूँ आज, ले पी। और खाना खाने से ज्यादा अपने मरियल हरकतों पे ध्यान दो, कब कौन सी शब्दों की वाणी कहाँ निकालनी है, लगता है इसका विज्ञापन इसके घर के दीवालों पे चिपका के आना पड़ेगा। यार तुझे लोग इतना कुछ कहते हैं, तुझे फर्क नहीं पड़ता? मेरी जान कुछ तो लोग कहेंगे, वरना ये मादरचोद जिंदा कैसे रहेंगे? मादरचोद के बच्चे, ये देखो बहनचोद, झाटे ने चूची बातें ऊंची ऊंची। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। पड़ोसी वाला ढूंढने निकली थी, बहुत
दूसरे वाले मिल गए। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ा। अबे ऐसे कौन सी गली है जहाँ भरोसे वाले बिकते हैं और जो बिकते हैं वो भरोसे वाले नहीं होते। तुमसे भरोसा लगाने से बेहतर तो कोई भोसड़ी वाला ठीक है, और चलो कोई भरोसे वाला मिल भी गया तो उससे ये मोबाइल का कैमरा ही पकड़ाएगी और हाँ खाना भी वही खिलाएगा। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। पहले सपने दिखाते हैं और फिर कहते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो बस यार अब तुमको भी ऐसे अंधे भोसड़ी वाले गले ना पड़े इसके लिए तुम जहाँ भी बैठे और खड़े भी हो तो बस उस लाल नो सब्सक्राइब के बटन को काला करो। बस खत्म। जय हिंद दोस्तों। मोनवीटा का असर नहीं है सुट्टे का असर है। मैंने लिख दी तेरी जीवनी न छोड़ी कोई कसर है। अब सड़ मची है तुझ में ना मैं डरता तेरे बाप से। बकचोदी कितनी करता है तू पूछ अपने आप से।